थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा बज है तेरे हाई हील्स. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट अबाउट दी. सब हील्स के ऊपर है बताइए. सब हील्स के ऊपर डायना की हील्स है तो डायना अच्छा बताएगी आई थिंक. डायना लेट्स गो फॉर इट. ओके डायना स्टार्टिंग विद यू. आई थिंक हील्स पे है बेसिकली. मैं मार्केट जारी रहती हूँ और मेरा चेन चोरी हो जाता है, फिर ये भाई साहब आके इनको मेरे से प्यार हो जाता है और फिर चेन वापस लेके आ जाते हैं. ये तो बता दी डायना ने स्टोरी. गाना है गरारी का, गरारी और सांस ने बनाया, सर ने, राजेश जी ने प्रोड्यूस करवाया, मालवा रिकॉर्ड्स पे आया. इट्स अ लवली सॉन्ग. आई थिंक रैप है उसमें. आई थिंक थोड़ा गुरु रंधावा टाइप का स्टाइल है. तो दिस गाय इज न्यू एंड ही इज गोना रॉक इट. हम ही मिले उनको. Of course, हम ही मिले, और भी था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू. विकास और रैना को क्यों लिया आपने मुझे? रजत जो हमारा कास्टिंग डायरेक्टर था उसने मेरे को सिर्फ इन दोनों की फोटो दिखाई थी. मैंने कहा ओके कर दे भाई, ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा माता बच्ची करने का नहीं, फाइनल कर, दोनों बढ़िया हैं. तो दीपावली का टाइम था, पहले जो दो फोटो आए ना लक्ष्मी जी दिखी उसमें, तो हमें ले लिया. ऐसी हो गई. सर म्यूजिक वीडियो एक नई रीच है आई थिंक यूथ के बीच ज़्यादा जाता है. पीपल लाइक पेपी सॉन्ग्स, पीपल लाइक रैप, पीपल लाइक इंटरेस्टिंग सॉन्ग विच दे ग्रू ऑन. तो टिकटॉक पे बन रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे एक गाना होता है जो किसी को खुश करता है. सो दिस इज रियली हैपनिंग सॉन्ग. और डायना इतनी खूबसूरत लगी है तो सब देखेंगे देखेंगे. डायना लेट्स गो. बहुत तारीफ हो गई मेरी. नहीं वी एक्चुअली लाइक द सॉन्ग एंड वी थॉट टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड बहुत अच्छा निकल के आया है एंड द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस. वी आर लुकिंग वेरी गुड एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग इट एंड प्लीज़ गिव इट द व्हाटएवर यू हैव द लव. थैंक यू. आई थिंक कुछ लव सुनना चाहेंगे हम गरारी के मुँह से इसी गाने के. गरारी ने पूरा गाया है. सो गरारी हो जाए. रैप कर दो सर. रैप कर दो सर. ये आ जा बैठ मेरी गाड़ी में, छोड़ दूँ मैं तुझको, मुझको दे दे तू सवारी. ये शक ना तू कर, जाने जाना सीधा साधा हूँ मैं बंदा, बस नाम ही गरारी है. ढोलक चलेंगे पूरा काम सर. पूरा ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के. ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के. ब्यूटी तेरी हाई क्लास हो हिरनी जैसी चाल, ये मार डाले मुझको वो तेरी एक चीज जो तूने अपनी जुल्फे हिलाई है. गहराई प्यार वाली कुआं खाई मैं तो मर मिटा, तू चुपे तू बने तो लुगाई सारे मेरे तू सवाल. मैं तेरा हाथ इंताई तेरे नाम वाली टैटू की सिहाई भी कराई हाथ पर. तू चल मेरे घर मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ, तू भी तो जल्दी कर बस थोड़ा सा सफर. मेरी जान यू ना डर, जान ले तेरी लगे मुझे खाई. Woo! So I think really happening track. अगर आपने सुना है तो बड़ा ही happening है, peppy है, catchy है. मैंने जब पहली बार वीडियो सुना था तो मुझे मन किया था कि हमें कल ही शूट करना है. एंड जो डायरेक्टर है आर स्वामी, आई थिंक इज द बिगेस्ट डायरेक्टर. वो वीडियोज़ को फेमस वीडियोज़ सारे हनी सिंह हनी पाजी के साथ सारे उन्होंने बनाए. तो उन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, सर ने प्रोड्यूस कर दिया है, गरारी ने गा दिया है, डायना ने फीचर कर दिया, तो मज़ा ही आ गया. मैं हील्स पहनती नहीं हूँ, मैं आज फर्स्ट टाइम हील्स पहन रही हूँ. अदरवाइज आई डोंट वेयर हील्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल. बट अभी गाना आ गया. नहीं आप ये बता, टूटी है? मैं पहनती नहीं हूँ ना कि डायना का फेविक्विक भी रहती है कभी कभी, सो यू नो इट जस्ट नहीं होता है मेरे पास है. हमने इसमें यूथ को मौका दिया है क्योंकि पीएम जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर है उनका कहना है कि यूथ को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आप आगे. इसलिए हमने गरारी को हमने चुना और डायना और विकास. एक बात है, सर ने नए नए कलाकार चुने, जैसे गरारी इज अ न्यू किड, गरारी न्यू किड बट टैलेंटेड. तो सर ने गरारी लिया है, मुझे मौका दिया है, डायना को दिया है. सो यू नो वी कुड फीचर इन. एक होता है ना आप नई चीज़ों से एक फ्रेश बनता है, तो सर ने एक फ्रेश चीज़ बनाई है तो खिल के आया है वही. अगर पुराने होते तो सेम सेम आपको सेम फेसेस, सेम वॉइस, सेम टोन, सब सेम होता. पुराने तो दुनिया बनाती है, हमने तो अलग कर दिया. तो अभी इंटरेस्टिंग बन के आया है. ओके विकास सर,
बहुत ही जल्द आपकी जो मूवी भी आने वाली पूरी नंबर बहुत ही जल्द रैप भी हो चुकी है. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर ये रीमेक? सो डू यू फील प्रेशराइज्ड बिकॉज बहुत ही लोगों का उम्मीद है आपके? सर देखिए मैं सोलो विलन हूँ फिल्म का और इंटरेस्टिंग फिल्म है और आपको लग रहा है रीमेक है मगर फिल्म में बहुत कुछ चेंज हो चुका है. परेश सर है, कादर सर की जगह परेश सर है. स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्शन है फिल्म में, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतना एक्शन किया है. वरुण थोड़ा डिफरेंट कर रहा है ना, तो गोविंदा और वरुण को कंपेयर ना हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा. तो दैट फिल्म इज कम आउट रियली वेल. तो अभी सॉन्ग शूट होने फरवरी में सॉन्ग शूट होंगे और मई फर्स्ट में रिलीज है. ट्रेलर आ जाएगा मार्च में. सो आई विल वेट फॉर इट. ओके डेविड सर से हमने थोड़े दिन पहले ही पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपका ही पहला नाम था आफ्टर जुड़वा 2. आपको ही सोचा था तो कितना बड़ा ये मानते हैं कि इतना डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत ही बड़ी बात है? देखिए मैं नहीं मानता हूँ कि आप अपना काम सच्चाई से करेंगे ना तो कोई भी अप्रिशिएट करेगा. सो जुड़वा में आई वर्क लाइक एनीथिंग. मैं एक टेक देता था सर को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए. एंड डेविड सर बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने 45th फिल्म में और सारी फिल्म उनकी हिट है तो कैसे इम्प्रेस करें उनको. और मैंने सोचा आप बस टेक करते जाइए, डेविड सर मान जाएंगे. फिर डेविड सर ने मुझे फरवरी में ही बोल दिया था कि ये तू फिल्म कर रहा है. इट इज़ बिग थिंग. नॉट फॉर नाउ बट आई थिंक यू गाइस विल कम टू नो वेरी सून. दैट्स इट. ओके लास्ट आप सभी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के? बहुत ही जल्द आने वाली है. प्लीज डू लाइक आवर वीडियो. हम लोग सबने बहुत मेहनत की है. एंड और प्यार दीजिए हाई तेरी हील्स को, गरारी को प्यार दीजिए, राजेश सर को प्यार दीजिए. आई थिंक इज द लवलीएस्ट प्रोड्यूसर आई एवर मेट. इन्होंने सब कूल डाउन रखा. आप देखेंगे तो लोकेशन इज एग्जॉटिक. सो एक पार्क में हमने शूट किया है जो वंडरलैंड जैसे लगा है. वहाँ पे प्लेन भी खड़ा हुआ है, दौड़ने की लोकेशन भी है, लेक भी है, सब कुछ है. इतनी बड़ी लोकेशन को हैंडल करना, इतनी बड़ी क्रू को हैंडल करना, आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. थैंक यू.